Hello guys, this is Sujal Soni and I am here with the new travel vlog and you are watching Hue Entertainment channel. And if you guys do not subscribe to our channel till now, then please go it and subscribe it. Otherwise, you will not get any kind of notification from this channel and you can miss many valuable videos from this channel. So guys, today we are going to Eco Park in Kolkata and friends who are live outside in Kolkata, I suggest you to visit this place Eco Park once, then you will see many type of new things here. Guys, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि Eco Park में total 6 gates हैं. अगर आप लोग airport की तरफ से आ रहे हैं तो gate number 4 is the best, और अगर आप लोग new town की तरफ से आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को suggest करूंगी आप लोग gate number 1 से आइए, वो आप लोगों को ज्यादा नजदीक पड़ेगा. गाइस, हम लोगों ने एयरपोर्ट से राइट ले लिया है और कुछ ही देर में हम लोग इको पार्क के गेट नंबर 4 में पहुंच जाएंगे. सो गाइस, वी आर इन इको पार्क, लेट्स गो इनसाइड एंड सी. गाइस, आप लोग देख रहे हैं ये गेट नंबर 4 का पार्किंग लॉट है. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इको पार्क में टोटल 2 पार्किंग लॉट बनाए गए हैं, जो कि एक गेट नंबर 1 पे है और एक गेट नंबर 4 पे है, और एक गेट नंबर 4 वाला पार्किंग लॉट है. और यहाँ पार्किंग चार्ज पर व्हीकल 50 रुपीज है. गाइस, अंदर जाने से पहले मैं आपको न्यू टाउन इको पार्क के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ. न्यू टाउन इको पार्क इन कोलकाता इज द बिगेस्ट अर्बन पार्क सो फार इन इंडिया. हाँ फ्रेंड्स, ये जो इको पार्क है ये इंडिया का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है. दिस पार्क इज सिचुएटेड ऑन ए 480 एकर्स प्लॉट एंड इज सराउंडेड बाई 104 एकर्स ऑफ वाटर बॉडी. इस पार्क को 3 बॉड पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है इकोलॉजिकल जोन्स लाइक वेट लैंड्स, ग्रास लैंड्स एंड अर्बन फॉरेस्ट्स. दूसरा है थीम गार्डन्स एंड ओपन स्पेसेस, और तीसरा है अर्बन रिक्रिएशनल स्पेसेस. गाइज, देर आर मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेज इन इको पार्क. लाइक सबसे पहले आता है ग्लास हाउस ऑन शोबुज शाथी, एम्पी थिएटर, लेक फ्रंट प्रोमनेड, 7 वंडर्स रेप्लिका, रबी अरण्य, ट्रॉपिकल टी गार्डन, वाइट फ्लावर मीडो एंड फॉर्मल गार्डन, रोज गार्डन, आर्टिस्ट कॉटेज, इको चिल्ड्रंस पार्क, फॉर्मल गार्डन 2, ग्राफिटी वॉल्स, बटरफ्लाई गार्डन, प्ले एरिया, बैम्बू गार्डन, फ्रूट्स गार्डन, फूड कोर्ट, अड्डा जोन, म्यूजिकल फाउंटेन, टी गार्डन, मार्क्स गार्डन, इको आइलैंड. और यहाँ पे आप बहुत सारे एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि पैडल बोटिंग, शिकारा राइडिंग, रोइंग, डुओ साइकिलिंग, स्पीड बोट, बर्ड वॉचिंग, गन शूटिंग, आर्चरी, कयाकिंग, लैंड जोबिंग एंड वाटर जोबिंग, कल्चरल इवेंट्स एंड गेमिंग जोन. पैडल बोटिंग 50 रुपीज फॉर 4% फॉर 30 मिनट्स, शिकारा राइडिंग 150 रुपीज फॉर 4% फॉर 30 मिनट्स, रोविंग 150 रुपीज पर पर्सन फॉर 20 मिनट्स, डुओ साइकिलिंग 150 रुपीज फॉर 2% फॉर 30 मिनट्स, स्पीड बोट 50 रुपीज पर पर्सन पर राउंड, बर्ड वॉचिंग 10 रुपीज पर पर्सन, गन शूटिंग 50 रुपीज फॉर 10 शॉट्स, आर्चरी 50 रुपीज फॉर 5 एरोज, कायाकिंग एट अ चार्ज ऑफ रुपीज 150 फॉर 30 मिनट्स, लैंड सोबिंग एंड वाटर जोबिंग 150 रुपीज पर पर्सन फॉर 200 मीटर लैंड सोबिंग एंड 15 मिनट्स वाटर जोबिंग, गेमिंग जोन 50 रुपीज पर आवर पर हेड. गाइस, दिस इको पार्क इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इट इज वेल कनेक्टेड विद VIP रोड एंड EM बाईपास. और आपको फ्रेंड्स उल्टा टांगा, बागोयाटी, कोलकाता एयरपोर्ट, सॉल्ट लेक और चिंगड़ी घाटा से डायरेक्टली यहाँ पे आने की बसेस मिल जाएंगी. गाइस, मैं आपको यहाँ पे आने की टाइमिंग के बारे में कुछ बता देता हूँ. समर्स के दिनों में यानी कि 1 मार्च से लेके 31 अक्टूबर तक, ट्यूजडे टू सैटरडेज 2:30 PM टू 8:30 PM तक ये पार्क खुला रहता है, और संडेज और हॉलीडेज के दिन 12 से लेके 8:30 PM तक, और विंटर टाइमिंग यानी कि 1 नवंबर से लेके 28 अक्टूबर तक, ट्यूजडे टू सैटरडे 12 noon टू 7:30 PM और संडे और हॉलीडेज के दिन 11 AM से लेके 7:30 PM तक ये पार्क खुला रहेगा. और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हर मंडे को ये पार्क जो है क्लोज रहता है. और फ्रेंड्स, इस पार्क का टाइमिंग लगभग 7:30 तक बंद हो जाता है, और यहाँ आने की एंट्री फीस है पर हेड 30 रुपीज. गाइज, आई होप अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया वो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा. और अगर अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं.
और वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मिस कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए देखते हैं आगे। हेलो गाइज, आई एम श्रुति सोनी एंड आई एम हेयर टू विजिटिंग यू दिस इको पार्क। नाउ अभी आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोग नंबर 4 गेट पे हैं, और अभी हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे। सो एंटर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स सी। गाइज, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि ये कोरोना का स्टैचू है, और जैसे कि हम लोग के यहाँ पे अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, तो यहाँ पे लोग भी बहुत कम हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग अभी गेट नंबर 4 से एंटर कर चुके हैं, और अभी हम लोग आए हैं द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, एंड दिस इज़ द पिरामिड ऑफ गीज़ा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, चलिए देखते हैं धीरे धीरे। लेट्स सी, चलते हैं। जैसा कि देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, अभी हम लोगों ने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा देख कर आया है, और यह है पेट्रा जॉर्डन। आप देख ही सकते हैं, आइए देखते हैं अंदर क्या क्या है। अगर गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप बहुत सारे वीडियोस मिस कर सकते हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है। सो गाइस, दिस इज अ रेडीमर स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ये ब्राज़ील का बहुत ही फेमस स्टैचू है। और जीसस क्राइस्ट के बीच में आप जो दिल देख सकते हैं, ये जो है प्यार की निशानी है। गॉड जो है पूरी दुनिया को
अपने गले से लगा रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, और ये बहुत ही सुंदर एक स्कल्पचर बनाया गया है जीसस क्राइस्ट का। गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा देखा और पेट्रा जॉर्डन देखा। अब हम लोग आए हैं इंडिया का बहुत फेमस, विच इज़ सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस ताजमहल को कितनी खूबसूरत से डिज़ाइन किया गया है, और आप सबको तो पता ही होगा कि ये मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ की मेमोरी में इसको बनाया था। और कैसी हमारे इंडिया की शान है, आप लोग तो पता ही है, द ग्रेट ताजमहल। आप लोग जो आगरा नहीं जा सकते, वो यहाँ के इस ताजमहल को देख सकते हैं। बिल्कुल ताजमहल जैसा ही दिखता है ये। गाइस, आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग ने जस्ट देख के आया ताजमहल, और ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो नाम से आपको पता चल ही रहा हो कि ये कहाँ, कौन सा मॉन्यूमेंट है। ऑफकोर्स ये चाइना का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग ने देखा। अब हम लोग चलते आगे, देखते हैं कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैसा है। गाइस, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम लोग अभी ताजमहल से निकलकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में आए हैं। गाइस, यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का रेप्लिका मिनिएचर तैयार किया गया है। वैसे तो जो असली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसका लेंथ लगभग 21,000 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन यहाँ पे उसका एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा पेश किया गया है। और आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर बनाया गया है इसे। नीचे बटरफ्लाइज भी उड़ रही है और कितनी ग्रीनरी भी है यहाँ पे। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो चलिए चल के देखते हैं ऊपर और क्या क्या है।
गाइस, एज यू कैन सी, दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और इसको चाइना की रक्षा करने के लिए इस बॉर्डर को बनाया गया है। और गाइस, ये चाइना का बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, और इसकी हाइट मैक्सिमम 14 मीटर्स के आसपास की होगी। जैसा कि देखा गाइस आपने, बहुत ही सुंदर है ये, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जरूर आना चाहिए यहाँ पे एक बार। एंड आई डू बिलीव दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू गाइस डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ, देन प्लीज गो इट एंड सब्सक्राइब इट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल, एंड यू कैन मिस मैनी वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज फ्रॉम दिस चैनल। गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग ने देखा था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और अभी हम लोग आए हैं द ग्रेट कोलोसियम ऑफ रोम। तो आप लोग देख ही सकते हैं इस मॉन्यूमेंट को। एंड दिस कोलोसियम इज बिल्ट ऑफ ट्रेवर्टाइन लाइमस्टोन टफ एंड ब्रिक फेस्ड कॉन्क्रीट। द कोलोसियम कुड होल्ड एन एस्टिमेटेड 50,000 टू 80,000 स्पेक्टेटर्स एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ इट्स हिस्ट्री ओवर द सेंचुरीज, हैविंग एन एवरेज ऑडियंस ऑफ सम 65,000. It was used for gladiatorial contests and public spectacles such as moxie battles, animal hunts, executions, reenactments of famous battles and dramas based on Roman mythology. तो आइए आगे इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या-क्या चीजें हैं। जिस भी आर्किटेक्ट ने इसे बनाया है, उसने इसे बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। चलिए देखते हैं आगे। लेट्स सी आगे क्या क्या है। ये जो पिलर्स है और इन पे जो ब्रिक्स का काम किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब हम देख सकते हैं हम लोग इसकी मिडिल पे आ चुके हैं। एक्चुअली क्या था, पहले के लोग जो है रोम के जो शासक थे, उसमें राजा थे, जो खेल जैसा कि युद्ध कराते थे, तो सभी एक गैलरी टाइप में आ बैठ के चारों तरफ उस युद्ध को देखा करते थे बीच में। यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड तो अभी है नहीं, नॉर्मल डेज में यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है। हम लोग 7 वंडर से वहाँ पे आ चुके हैं, अब हम लोग आगे जाएंगे। तो चलिए आगे देखते और भी क्या क्या चीज़ है आगे। Thank you.
गाइस आप लोग रोज के काम से थक जाते हैं, कोलकाते में इतना ज्यादा क्राउड है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इसी क्राउड के अंदर भी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इको पार्क कितना नेचुरल है, इसका एटमोसफेयर इतना सुंदर है, आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोग यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, और यहाँ पे आके आप लोग जो टाइम आप लोग कोलकाता के क्राउड में स्पेंड नहीं कर सकते, आप लोग यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो प्लीज मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगी कि प्लीज आप लोग एक्चुअली मैं एक टाइम ही आई है, बट आइए यहाँ पे, बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुल। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा क्राउड भी नहीं है और ये इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, देखिए आप लोग। गाइस हम आ चुके हैं बटरफ्लाई गार्डन के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाई की तस्वीरें लगी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये घर जैसा स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, असल में टेराकोटा टेंपल का एक रेप्लिका बनाया गया है। और सामने से आप इसको देखिएगा, इस पे जो कारीगरी की गई है बहुत सुंदर कारीगरी है। इस तरह के टेंपल आपको पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के बीरभूम, मिदनापुर और बांकुड़ा जिले में देखने को मिलेंगे। और ये जो टेंपल आप देख रहे हैं ये विष्णुपुर का टेराकोटा टेंपल है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मिस्ट गार्डन है और ऊपर से शावर बरसाया जा रहा है यहाँ पे, तो चलते हैं हम लोग। लेकिन उसके पहले मैं अपने गॉगल्स खोल लेता हूँ, नहीं तो भीग जाएंगे।
गो। आप देख सकते हैं गाइस, ये एक रुद्राक्ष का पेड़ है और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे जो भोलेनाथ हैं उनको ये माला कितनी पसंद है रुद्राक्ष की। और एकदम प्योर एकदम असली रुद्राक्ष है, मैं आपको दिखा दूँ इसको खोल के। देखिए गाइस अंदर से इसके, ये देखिए। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा हम लोग को मिल गया एक पेड़, मैंने तो नीचे से कुछ उठा भी लिए हैं। ये इन सब जगह पे दिखा नहीं जाता लेकिन इन्होंने उगा के रखा है इको पार्क वालों ने। और ऐसे ही बहुत तरह के पेड़ हैं यहाँ पे जो कि इन सब इलाकों में नहीं दिखे जाते, या तो दूसरे दूसरे प्रदेशों में या विदेशों में पाए जाते हैं सारे पेड़, लेकिन इस जगह पे ऐसे कई तरह के पेड़ उगाए गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है सारा। अलग अलग तरीके के पेड़ एक जगह पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। गाइस देखिए ये कार्डमम का प्लांट है जिसे इलायची कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फ्रूट्स है उसके, इसी में से इलायची आती है। ये दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके व्हाइट पेटल्स एंड विथ रेड इसके अंदर जो है।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने बहुत जगह घूम लिया है, बहुत सुंदर सुंदर जगह हमने देखी, बहुत तरह के पार्क देखे। मिस्ट पार्क हुआ, बटरफ्लाई पार्क हुआ, सेवन वंडर्स हुए, और अभी लगभग अभी 4 बज रहे हैं और हमने 10:30 बजे एंट्री लिया था यहाँ पे। तो फिर फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक पूरा घूम भी नहीं पाए, इतना बड़ा जगह है ये, आप देख सकते हैं वहाँ पे। वो आप यहाँ से अगर जाइएगा, यहाँ से वो घूम के सीधा वो आईफिल टावर के उधर, और इधर से आप अगर जाइएगा तो देख रहे हैं आप गुंबद टाइप का, देख रहे हैं वहाँ पे ग्लोब जैसा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक दिन में नहीं घूम पाएंगे ये सब जगह पे। हम लोग शायद अभी आसपास वहाँ पे जाएंगे और घूम के हम लोग फिर रिटर्न अभी घर चले जाएंगे। যদি এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। देख सकते हैं आप कितना सुंदर ये है। मतलब हमारा जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे इसका बहुत सारा जिला है यहाँ पे, जो कि गांव जैसा है। आप देख सकते हैं ये रथ बनाया गया है, कितना सुंदर बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मिट्टी का घर बनाया गया है, बिल्कुल ये एक किसी बंगाल के गांव की याद दिलाती है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं शहर में हूँ, लग रहा है कि मैं किसी गांव में आ गया हूँ। जिस तरह से बैम्बू काट के दरवाजा बनाया गया है और मिट्टी का घर है, यहाँ पे लालटेन भी है। और जैसे यहाँ पे ये आपको बता दूँ, ऐसे इसको बोलते हैं, ये एक तरह की मिट्टी होती है वाइट कलर की, जिसको पानी में मिक्स करके हम लोग ऐसे आलपोना बोलते हैं, इसको पेंटिंग किया जाता है। ये चाहे ज़मीन पे हो या दीवार पे, जिस तरह से पेंटिंग की गई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। धान का गोला इसको बोला जाता है, मतलब सारी साल जो हम लोग खेती करते हैं चावल की, उसको ऐसे गोल करके रखा जाता है। इसमें जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर, इसको बंगाल में पालकी बोला जाता है। तो क्या होता था पहले के जमाने में, या जमींदार घर में जब राजाओं को कहीं जाना रहता था एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो ऐसे पालकियों का व्यवहार वो करते थे। फिर उसके बाद ये सब दूल्हे दुल्हन को ले जाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। अभी ये सब एंटिक हो गया, अभी देखने को नहीं मिलता, मुश्किल से ही आपको कहीं देखने को मिलेंगे किसी जमींदार घर में।
अभी तो बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट नए जन बाहर निकल चुके हैं, अभी इन सब पालकियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल बाजार भी बनाया गया है, ये देखते कुछ खरीदा जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मछली बेच रहा है बाजार में। कौन सा दादा? आइए फ्रेंड्स, आप लोग जो यहाँ पे स्कल्पचर्स देख रहे हैं, यहाँ पे इतना अच्छा मैसेज दिया गया है कि जो बच्चे खेल रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था फ्रेंड्स, बच्चे जो है ऐसे बाहर जाके खेला करते, जिससे वो फिट रहते थे, फिजिकल एक्सरसाइज होती थी उनके। अभी क्या हो गया है, इतने तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे टीवीज, फोन्स, वीडियो गेम्स, इन सब में बच्चे बाहर जाके खेलना ही भूल चुके हैं।
और जिससे बहुत ही उनका तबीयत जो है ख़राब हो जाता है। लेकिन ये सब एकदम गलत बात है। बच्चों को ऐसे बाहर जाके भी खेलना चाहिए पहले की तरह, ताकि वो अंदर से मेंटली और फिजिकली फिट रह सके। तो बहुत ही सुंदर मैसेज यहाँ पे दिया गया है बच्चों के सहारे जैसे ये खेल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना अच्छा तस्वीर दिखाया गया है। पाठशाला में बच्चे पाठशाला बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, और जो गुरु जी हैं उनके टीचर जो हैं वो क्या है अपना काम भी कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए जिस तरह से वो बच्चों को डांट रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, शासन कर रहे हैं बच्चों को। तो अभी क्या है ये सब उठ चुका है, अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को मारना पीटना डांटना ये सब बंद करा दिया गया है। लेकिन असलियत तो यही है कि जब तक बच्चों को सही गाइड ना मिले, सही दिशा में उनको ना ले जाए, तब तक उनसे पढ़ाई नहीं हो सकती सही से। तब देख सकते हैं किस तरह से उनको सजा भी दी जा रही है, वो अपना काम भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। अभी जो है ना ही शासन है ना ही पढ़ाई है। वैसे पहले फ्रेंड्स देखिए ना टेबल होता था ना चेयर होता था, तो गाँव के बच्चे इसी तरह पेड़ के नीचे जो है बैठ के पढ़ा करते थे। कितना सुंदर लग रहा है ये। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं हर्बल गार्डन। गाइस यहाँ पे ऐसे बहुत तरह के पौधे उगाए गए हैं जिससे कि हर्बल प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बन सकती है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सभी पेड़ पौधों का लिस्ट भी बनाया गया है। लगभग 250 से ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। और फ्रेंड्स बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप लोग यहाँ आके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत घुमा के दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऋत कुमारी पौधा है, और फ्रेंड्स ये बहुत ही लाभदायक एक पौधा है। इसके पत्ते से जुखाम हो या कोई स्किन डिजीज हो या कहीं जल जाए, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या यूटेरिन टॉनिक, इन तरह की डिजीज इस पत्ती से ठीक हो सकती है। हम देख सकते हैं बहुत तरह के ऐसे, जैसे यहाँ पे आपका उल्ट कंबल पेड़ लगाया गया है यहाँ पे, जिसकी जड़ें और लीफ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं दवाई बनाने में। देखिए फ्रेंड्स ये काल में एक पेड़ है, और इसका पूरा पेड़ ही पूरा प्लांट ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको अगर कोई लीवर डिसऑर्डर हो
या लॉस ऑफ एपेटाइट या जुकाम यानी फीवर या कोई तरह के स्किन डिजीज हो तो उससे ये ठीक हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इलायची का पेड़ है, इसको पहले भी हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इलायची जो है ये तो एक तरह का मसाला भी है और साथ में इस बहुत ही हर्बल प्लांट है, आयुर्वेदिक प्लांट है, जिससे बहुत तरह के डिजॉर्डर, जैसे जुकाम में आपने सुना ही होगा कि इलायची वाली चाय जो कि बहुत अच्छा काम करती है जुकाम के वक्त, तो ये इसको भी हम आयुर्वेदिक में पकड़ सकते हैं इस तरह से। इसलिए इस पेड़ को यहाँ पे भी लगाया गया है, इलायची का पेड़। देखिए दोस्तों, ये सदाबहार प्लांट है। सदाबहार से आप नाम से इसके समझ ही सकते हैं कि ये जो है कभी मुरझाता नहीं है, हमेशा कलियाँ ऐसी खिली रहती है। और फ्रेंड्स, इसका जो है पूरा का पूरा प्लांट ही आयुर्वेदिक है, मतलब आप इसको पूरा प्लांट को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि मलेरिया जैसे या डायबिटीज जैसी बहुत ही गंभीर बीमारियां सही हो सकती हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक पेड़ है, आपको भी अपने घर में उगाना चाहिए। और इस फूल को देखिए आप, बहुत लोग इसको घर पर भी उगा सकते हैं क्योंकि इसका जो फूल है उसको हम पूजा में भी व्यवहार कर सकते हैं, पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब फूलों को। फ्रेंड्स, आपने तो सुना ही होगा कि नीम जो है कड़वा होता है, लेकिन क्या आपने इसे देखा है, ये है मीठा नीम। हाँ फ्रेंड्स, मीठा नीम, और बता दो कड़वे नीम जैसे लाभदायक होता है वैसे मीठा नीम भी बहुत ही लाभदायक हो सकता है आपके शरीर के लिए। और इसके लीफ, इसका पत्ती और इसका जो टहनी है, इससे जो है बहुत तरह की बीमारी जैसे डायरिया हो या आपको कोई वाउंड्स हो, कोई चोट लग जाए या वोमिटिंग हो आपको, तो इसके सेवन से जो है ये सारी बीमारियां सही हो सकती है। आप देख सकते हैं नीम जैसी दिखती है लेकिन ये कड़वी नहीं होती, इसलिए इसका नाम है मीठी नीम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तिल का पेड़ है। तिल तो आप जानती हैं, आपने खाया भी होगा बहुत बार, इसके जो सीड होते हैं उसका बहुत तरह का खाना बनाया जाता है। और इससे फ्रेंड्स आपका सर दर्द हो, हेडेक हो या डायबिटीज या वीकनेस आपको महसूस हो या कफ जैसी बीमारियां जो है इसके सीड खाने से वो सही हो सकती है। तो ये भी बहुत लाभदायक पेड़ है आपके लिए, आप इसे घर में आसानी से उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अंतमूल के पेड़ है, प्लांट है, और इसकी टहनियाँ और पत्तों से जो है अस्थमा जैसी बीमारियाँ भी सही हो सकती है। देख सकते हैं आप, अस्थमा फ्रेंड्स एक लंग्स की बीमारी है और इसके पत्तों से और इसकी टहनियों से इस तरह की बीमारी जो है सही हो सकती है। तो देखिए डांटी की पेड़ है ये, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसके जड़ से आप पाइल्स जैसी बीमारियाँ और किडनी वगैरह पत्थर है आपके, दर्द है, स्किन या लिवर डिसऑर्डर और कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आप इसको सुबह चाय के साथ ले सकते हैं तो एकदम काम जो एकदम साफ सुथरा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये दालचीनी का पेड़ है और आप जानती है मसाले में व्यवहार किया जाता है दालचीनी, और ये बहुत ही लाभदायक भी है, जैसे ऑयल लीचिंग हो या इंडिगेशन या रेनेट जैसी बीमारी इससे सही हो सकती है। और फ्रेंड्स, हमारे लेफ्ट साइड में है तामाला का, ये भी एक तरह का पेड़ है जिसका पत्ती आप आपका डायबिटीज में या एनोरिक्सिया टाइप की बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये पेड़ लवंग का पेड़ है ये, जिसको मसाले में व्यवहार करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो फ्लोरल बड यानी कि इसको बोलते हैं फूल उगने के पहले जो उसका कड़ियाँ होती हैं, वो कॉफ हो या सांस लेने का तकलीफ हो या कहीं दर्द हो या दांत के दर्द में इस लवंग का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सुनहरी का पेड़ है और इसके पत्ते और जड़ों से आपको ट्यूमर जैसी बीमारी हो या ओबेसिटी हो, खाने का मन ना करे, ऐसे टाइप की बीमारियाँ इससे ठीक हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये आंवला बेल का पेड़ है और इसके जड़ों से, इसका जड़ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं हार्ट या लिवर डिजीज में, या आपको टॉनिक है या आपका बोन फ्रैक्चर जो है इससे जल्दी जल्दी ठीक हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है कि इससे डायबिटीज जैसी बड़ी टाइप की बीमारियाँ भी सही हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये डाडिमा का पेड़ है
और इसका जो फल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फल है और इसका जो जड़ है, इससे फ्रेंड डायरिया या एनीमिया या लॉस ऑफ एपेटाइट जैसी बीमारियाँ भी सही हो सकती हैं। और फ्रेंड ऐसी ही बहुत तरह के पेड़, हर्बल आयुर्वेदिक पेड़ जो है यहाँ पे लगाए गए हैं, अगर हम घूम घूम के देखें तब भी सारा दिन यही लग जाएगा तो फ्रेंड ना ही ये बीमारियाँ ख़त्म होंगी कभी। और ऐसे ही कई तरह का पेड़ है, तो मेरा मानना तो यही है रहेगा कि हमें इन सब पेड़ों को लगाना चाहिए, बचाना चाहिए। जितना हम प्लांट्स लगा सके उतना ही हमारे सोसाइटी के लिए या हमारे वर्ल्ड के लिए उतना ही अच्छा है। चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं यहाँ से। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं शाम हो चुका है और हम लोग लगभग यहाँ पे 10:30 बजे तक आए थे और अभी 5 बज रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा एरिया लेके इसको बनाया गया है इको पार्क को, और हम लोग अभी तक पूरा घूम भी नहीं पाए हैं। इसके मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि लगभग 4 गेट हैं, तो हम लोग गेट नंबर 4 से एंट्री लिए थे तो हम लोग सिर्फ 2 ही गेट देख पाए, एक गेट नंबर 4 और एक गेट नंबर 3। तो हमने गाइस अभी तक पूरा कंप्लीट भी नहीं किया है, और अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग अभी आते हैं वैसे तो बाकी दोनों गेट भी आपको घूम कर दिखाएंगे। So if you guys like this video, then please like it, comment it and share it. And till now, if you have not subscribed to our channel, then please subscribe it. Otherwise, you will not get any notification and you can miss our many valuable videos. Till then, take care, stay happy and thank you. Bye.